न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय कोडमिक सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अब आपके शहर रीवा में। हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI/UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बत्रिका टावर अंगूरी बिल्डिंग के पीछे सिरमौर चौराहे के पास रीवा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। बीते दिन रीवा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। जरा सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसने अपने 5 साल के मासूम को खोया है। क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जिसके आंगन में एक साथ 3 मासूम बच्चों के शव रखे गए होंगे, और क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जिसके घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। आपको बता दें, शनिवार को रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पर स्थित एक प्राइवेट स्कूल सनराइज पब्लिक स्कूल गेट के बगल में स्थित मकान की जर्जर दीवार गिरने से 5 बच्चे सहित एक महिला इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से 4 छात्रों की मौत हो गई जबकि 1 छात्र और महिला बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और घटना की जानकारी लगते ही जनप्रतिनिधियों सहित जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। इस घटना को लेकर तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई और घर के मालिक दोनों भाइयों पर मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरी घटना शनिवार को दोपहर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ कस्बे की है। ये सभी छात्र निजी स्कूल सनराइज पब्लिक स्कूल के छात्र थे और यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल की छुट्टी हुई और बच्चे अपने घर जाने लगे। उसी दौरान स्कूल के गेट के बगल में स्थित जर्जर मकान की दीवार अचानक से बच्चों के ऊपर गिर गई और 5 छात्रों सहित एक महिला जो अपने बच्चे को स्कूल लेने गई थी वो इसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने बच्चों को मलबे से निकाला और उन्हें इलाज के लिए गंगेयों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने 4 छात्रों को मृत घोषित कर दिया है और जबकि 1 छात्र और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, स्थानीय विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह भी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। इस घटना को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने घटना को लेकर दुख जताया। वहीं जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामले की जाँच की बात कही है। इन दिनों बारिश का मौसम है और दीवार जर्जर थी, उसी के चलते दीवार में नमी आ गई और वो काफ़ी कमज़ोर हो गई और यह हादसा हो गया। इसी के चलते दीवार गिर गई और उसी के चपेट में 5 छात्र और 1 महिला आ गए। इस घटना को लेकर तुरंत पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गई और घर के मालिक दोनों भाइयों पर मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है और उन्होंने मृतक बच्चों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की मदद करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा, जिन परिवारों ने मासूम बच्चों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यह घटना एक संकेत है कि शायद जिले के अन्य स्कूलों में भी इस तरह की सुरक्षा संबंधी कमियां हों। जिला शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूलों का निरीक्षण करवाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल भवन सुरक्षित हो। वहीं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने दोषियों पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है और कहा है, यदि 24 घंटे के अंदर दोषियों पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वह SDM कार्यालय मनगमा के बाहर अमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व मई में भी जर्जर दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया था। यहाँ पर स्कूल के बच्चे जा रहे थे तो दीवार गिर गई है जिससे बच्चे गंभीर चोट में हैं और कुछ मृत भी हो गए हैं। ये घर जिसका घर है उसकी लापरवाही है। स्कूल ये दीवार एक बार और गिर चुकी थी, पर रात में गिरी थी तो किसी को कोई चोट नहीं पहुंची थी। तभी बोला गया कि अपनी दीवार सुधरवाइए तो पूरी तरह से गिरवा दीजिए, फिर भी उन्होंने कोई इसके प्रति एक्शन नहीं लिया। जब घटना हुई तब आप मौजूद थे? नहीं, मैं अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी। टीचर आए, बोले कि क्या कहते हैं, दीवार गिर के बहुत से बच्चे फंस गए हैं। तो मैं सोची कि कौन फंसा होगा, हम लोग दौड़ के आए कि कौन फंसा, तो देखे कि हमारे भाई बहन भी थे। आपके भाई बहन को भी चोट? हाँ, आपके भाई बहन को भी चोट? चोट आई है, 3 मर गए हैं और भाई, एक भाई और 2 बहन मर गए हैं और एक अभी गंभीर रूप से बीमार है। नहीं,
उनके लिए बहुत कठिन और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसे उन्हें याद रहे कि बच्चों के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। भूमिका गुप्ता। निश्चित रूप से आज ये बहुत हृदय विदारक घटना है, इसमें पूरा क्षेत्र दुख की लहर में डूब गया है, मासूम बच्चों की जान गई है। अब लापरवाही किसकी है इस बात की जिम्मेदारी प्रशासन तय करेगा। बहुत जल्दी कलेक्टर मैडम ने जांच कमेटी तय की है और जांच कमेटी बनकर लायबिलिटी फिक्स की जाएगी कि भाई कौन जिम्मेदार है, उसका किसकी दीवाल थी। दीवाल तो किसी निजी व्यक्ति की थी, स्कूल की थी नहीं, पर वो रास्ते में आते जाते हुए चार मासूम बच्चों की मौत हुई है और एक घायल है। घायल तो कई बच्चे हैं, पर एक को रेफ़र किया गया और एक माँ जो बच्चे की अभिभावक के रूप में बच्चे को लेने गई थी। निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को दुख सहने की क्षमता मिले। हम पूरा क्षेत्र उस परिवार के साथ, हमारे सरपंच, हमारे जनपद सदस्य, सारे लोग, पूरी ग्राम पंचायत की टीम, जनपद पंचायत की टीम उस परिवार के साथ इस घटना में उसके साथ कदम से कदम मिला के उसके सहयोग करने के लिए खड़ी है। जो परेशानी होगी, जिस तरह की ज़रूरत होगी, जनपद पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग उस परिवार को मिलेगा। हम सब साथ में हैं और निश्चित रूप से कलेक्टर मैडम ने भी अभी बात की है, विधायक जी ने भी बात की है, सांसद जी भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार से इनको कुछ, अब इस दुख को तो मिटाया जा नहीं सकता, आर्थिक रूप से जो सहायता हो सके उस परिवार को देने का बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी उसका भी निर्णय हो जाएगा। में सनराइज पब्लिक स्कूल विद्यालय है जो कि यहाँ पर संचालित था। बगल में जानकारी मिली कि कोई जर्जर हालत में दीवार थी। तो नामदेव भाइयों के परिवार का ये शायद कुछ मामला था जिसमें ये था कि वो हटाएंगे, ऐसे करके आज चार बच्चे काल कवलित हो गए और एक, जैसा अभी कलेक्टर मैडम ने भी बताया, वहाँ संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में उसको रेफ़र किया गया है और एक कोई उनके अभिभावक थी वो आई थी, तो उनका भी फ्रैक्चर हो गया। अभी मैं वहाँ पर गंगोह में चारों बच्चों को मतलब सब देख के आया। बहुत ही हृदय विदारक एक प्रकार से ये घटना घटी। इसमें संबंधित जो भी ये, जैसे दीवार जिनकी थी उन पर कार्रवाई विधिवत जो है, मैं कहूँगा कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे और बच्चों के साथ जो भी न्याय संगत मतलब सरकारी मदद प्राप्त होगी उसके लिए मैं कलेक्टर मैडम से और सीएम साहब से भी बात करके चर्चा करके उन्हें दिलाने का प्रयास करूंगा। विधायक जी, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद विधायक, मंत्री, सांसद सहित प्रशासनिक जिम्मेदार मौके पर पहुंचते हैं। इसके पहले भी आपने एक जर्जर विद्यालय भवन का निरीक्षण किया था, उसी में बच्चे बैठ रहे हैं, कोई सुधार कार्य नहीं हुआ अभी तक, तो क्या माना जाए बड़ी घटना की? सही कह रहे हैं। मैं तो अक्सर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण करता रहता हूँ और संबंधित अधिकारियों को मैं ये बोलता भी रहता हूँ कि मतलब इस प्रकार से ये जर्जर भवन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो संबंधित विभाग है और जो अधिकारीगण है उनको मैं लिखित वे में और अपने लेटर पैड में भी उनको सूचित करता हूँ। तो कुछ देर पहले ही मैं भीड़ में गया था, वहाँ पर जो छात्रावास था बच्चियों का, उसको मैंने जर्जर हालत में देखा। संबंधित आयुक्त महोदय को मैंने भोपाल में सूचित किया। इस विद्यालय में भी एक आध बार पहले आया था और ये दीवार से संबंधित मेरे को संज्ञान था, लेकिन आवाज़ ही अभी ये मूसलाधार बारिश के चलते ये दीवार ढह गई और अब ये दुर्भाग्य है कि बच्चों को जो है आज दिवंगत होना पड़ा। इस तरह की मौत का जिम्मेदार कौन है? चार जो मौतें हुई मासूम की, मौत का जिम्मेदार कौन होगा? जांच कब तक पूरी होगी? मौत के लिए वर्तमान में यहाँ पर तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर जो दीवाल है उसके ऑनर पर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे को जो जानकारी मिली है कि दो भाइयों के बीच का ये कुछ विवाद का मामला था और दोनों को ही स्कूल के संचालक और विद्यालय के जो अभिभावक गण थे वो लोग बोलते रहे कि इसको जो है ढहा दो, गिरा दो या आपस में मतलब समझौता कर लो, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं सोच के रखा था कि आज ये दीवार इस बारिश में जो है गिर जाएगी। उन्होंने भी कोई जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन किसी न किसी पर तो जिम्मेदारी बने। विधायक जी, जब कोई विद्यालय की मान्यता दी जाती है तब विद्यालय शुरू। हाँ, स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना बहुत हृदय विदारक है और मध्य प्रदेश सरकार जो बच्चे नहीं रहे उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी और एक बच्चे के भी तो संजय गांधी अस्पताल में एक बच्ची का इलाज चल रहा है और एक महिला अभी गंगेव में है उनको भी एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल से किया जा रहा है। तो कुल घटना का विस्तार कहा, सरकार
हर संभव मदद देने के लिए और भी प्रयास करेंगे, तो इतना ही है। अच्छा, आपने कहा कि दुखद घटना है, पर जिम्मेदार कौन है, लापरवाही किसकी? जिम्मेवार है मकान का मालिक और सरपंच और सचिव, इन तीनों के खिलाफ मुझे मेरी समझ से मुकदमा चलना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि एक बार जब बिल्डिंग गिर चुकी थी, हाँ, तो ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि उस बिल्डिंग को हानिकारक पेड़ पौधा बिल्डिंग भवन जो कुछ भी हो, हाँ, उसको गिराने की जिम्मेवारी पंचायत की है और पंचायत इस काम को करने में अक्षम रही है। इसलिए मैं तो मांग करूंगा, अभी तो यहाँ भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं पंचायत के सरपंच और यहाँ के सचिव और उस मकान के मालिक, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। निजी स्कूल है, सरसंकीर्ण रास्ता है, अनुमति कैसे मिली होगी इसको? वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्राइमा फेसी जो है उसमें मकान मालिक दोषी है और पंचायत की ड्यूटी थी कि वो मकान को, उसको बिल्डिंग को गिराए। तहसील की गढ़ थाना क्षेत्र की है, गढ़ में ये एक स्कूल संचालित होता है, सनराइज पब्लिक स्कूल। जब इसकी छुट्टी हुई है स्कूल की, तो बच्चे छुट्टी के वक्त जो छः लोग बाहर निकले हैं, पड़ोस की आगे की एक जो दीवार थी, जो एवंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया, तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। एक और जो गार्जियन थी वो भी घायल हैं, उनकी भी प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको भी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। तो इस तरीके की घटना है, हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है पहले तो वो हट जाए, ताकि बरसात का समय है, ऐसी जो क्लियर साइट को क्लियर कर दें, बाकी और चीज़ें जो है जाँच में और स्पष्ट होंगी। मैडम, राहत राशि दी गई कुछ अभी? राहत राशि की अभी चर्चा हुई है भोपाल में और बहुत जल्दी इसकी भी सूचना हम आपको। मैडम, नियमों के पालन कर रहा था क्या आप, ये स्कूल संचालक? स्कूल संचालक की जो जांच है वो हम लोग कराएंगे और स्कूल की जांच इसके उपरांत होगी, प्रथम दृष्टया जो मामला है वो इस तरीके का संज्ञान में आया। ठीक है। ये स्कूल सनराइज स्कूल है, सनराइज स्कूल यहाँ पर स्थित है गढ़ में। यहाँ पर जो है बच्चे अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे, एक दो परिवारों के बच्चे थे वो, और उसमें एक महिला भी थी वो उनके साथ में थी। जब ये लौट रहे थे तो अचानक यहाँ एक नामदेव रहते हैं, उनके घर की दीवार जो है वो धसक गई बारिश के कारण, और वो सब बच्चे और महिला जो है उसमें अंदर आ गए। उनको रेस्क्यू करके तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन 4 बच्चे अभी तक मृत हो चुके हैं और जो 2 लोग हैं वो घायल हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में। उनकी स्थिति ठीक है अभी, और शासन ने अभी इसमें 2-2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो वो उसकी घोषणा हो गई। और इसके अलावा पुलिस की जहाँ तक प्रश्न है, पुलिस ने अभी इसमें प्रकरण कायम किया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब जिसकी भी होगी इन्वेस्टिगेशन में है, जो प्रथम दृष्टया तो जिनके जो हमने पाया है उसके मुताबिक उसमें प्रकरण कायम किया। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय कोडमिक सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अब आपके शहर रीवा में। हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमोस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बत्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा।